हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीपीई के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इंड एस सोलह पीपीई, दिस इज थर्ड वीडियो ऑन पीपीई। पहले दो वीडियो में हमने इनिशियल रिकॉग्निशन और पीपीई के बारे में समझा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन? जब हम किसी एसेट्स पे, जब हम किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कोई फर्दर एक्सपेंडिचर करते हैं आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, फर्दर एक्सपेंडिचर हो सकता है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के रीजन से किया हो, या एसेट्स को बदला हो, या उसके पार्ट्स को बदला हो, या इंस्पेक्शन या ओवरऑल के लिए हमने एक्सपेंडिचर किया हो, इन वजह से अगर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमें पीपी को फिर सब्सिक्वेंटली फिर से रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। इन सारे एक्सपेंडिचर को बुक्स में अकाउंट फोर करना पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इफ एनी फर्दर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द एसेट्स आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, देन दिस हैज टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मे बी ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट और इंस्पेक्शन और एंड ओवरहॉल। केस वन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कारण अगर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल एंड इट इज ट्रांसफर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज इनकर्ड टू मेंटेन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्यों किया जाता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाता है टू मेंटेन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ द एसेट। एसेट सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें छोटी मोटी कोई दिक्कतें आ गई हो उसको ठीक करने के लिए हम रिपेयर मेंटेनेंस करते का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इट इज जस्ट लाइक डे टू डे सर्विसिंग। ऐसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं क्योंकि इनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। दिस इज जस्ट लाइक कंजम्पशन एंड इट इज रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सेम ईयर। इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता है, इसे नॉर्मल एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर करने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रिपेयर्स पेड, और एट द एंड ऑफ द ईयर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट बीइंग रिपेयर रिटर्न ऑफ। सिंपल है, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। दूसरा केस है रिप्लेसमेंट का, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जब एसेट्स हमारा वियर एंड टियर के कारण ख़राब हो जाता है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस से ठीक नहीं होता है तो हम उसे रिप्लेस करना पड़ता है। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हैवी नेचर का होता है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और इसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। इसका बेनिफिट एक से अधिक साल में मिलता है, इसीलिए इसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसे बुक्स में एसेट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स शुड बी कंसिडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए दो स्टेप्स करना होगा। पहले जो हमारा बुक्स में ओल्ड एसेट आ रहा होगा उसको हम बुक्स से हटाएंगे और नया एक्सपेंडिचर जो किया है उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, बुक्स में शो करेंगे। तो ऐसा कैसे करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से हो सकता है कि पूरा एसेट से हमने बदल के नया एसेट ले आया हो, या हो सकता है कि उसका कोई पार्ट बदल के नया पार्ट ले आया। जैसे मान लीजिए कोई कार है, कार का इंजन ख़राब हो गया, इंजन की लाइफ कम थी, इंजन ख़राब हो गया तो हमने केवल इंजन बदल दिया, बाकी कार का अदर पार्ट्स एज इट इज सेम चल रहा है, सेम लाइफ है। तो के इंडिया सिक्शन हमें परमिट करता है केवल हम इंजन को डी रिकॉग्नाइज करके नए इंजन को रिप्लेस करेंगे, तो उसे रिकॉग्नाइज करें। तो इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन डी रिकॉग्नाइज पुराने इंजन को बुक्स से हटाएंगे और नए इंजन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? डी रिकॉग्नाइज द ओल्ड एसेट किस वैल्यू पर डी रिकॉग्नाइज करेंगे? डी रिकॉग्नाइज का क्या मतलब? बुक से हटाना, सिंपली बुक से हटाना। बुक से कैसे हटाओगे? एसेट्स को क्रिएट कर दोगे, टू ओल्ड एसेट। अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो डी रिकॉग्नाइज करना है कैरिंग अमाउंट पे, डी रिकॉग्नाइज करना कैरिंग अमाउंट मतलब WDV जो बुक की WDV वैल्यू होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे बुक से डी रिकॉग्नाइज करेंगे।
इट वुड बी अवेलेबल बाय कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन। अगर कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन फॉलो करते हैं तो हमें अरे केवल इंजन का कितना डिप्रिसिएशन होगा, कितना WDV होगा हमें पता होगा और उसे बुक से हटा देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, नए एसेट नए इंजन को जब हम लाएंगे तो बुक्स में उसे रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी उसका कॉस्ट होगा, जिस कॉस्ट पे हम खरीद के लाएंगे उस कॉस्ट पे उसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। आइए इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी लाइफ 10 ईयर है और वैल्यू 2 लाख रुपया है, और इसी प्लांट एंड मशीनरी का मेन कंपोनेंट जो है इंजन है और वो 40% उसका कॉस्ट है। कैन इसे डायग्रामेटिकली समझिए, ये प्लांट एंड मशीनरी है, इसका 40% कह रहा है कि ये इंजन का कॉस्ट है, 60% अदर पार्ट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है, 2 लाख है। लाइफ ऑफ एसेट टोटल कितना है, अदर एसेट की कितना है, 10 ईयर्स है, और कंपोनेंट जो ये कंपोनेंट है इसका 2 साल का है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है इंजन की अलग लाइफ हो, सीट की अलग लाइफ हो, अदर और दूसरे पार्ट की अलग लाइफ हो, इंजन की अलग लाइफ है, दो साल की लाइफ है, ऐसा कुछ हमें दे रखा है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर न्यू इंजन रिप्लेस फॉर 90,000। इस इंजन को रिप्लेस करके नया इंजन हमने ले आया बुक्स में। तो आपको कह रहा है कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में, कैसे रिकॉर्ड करेंगे एंट्री, हाउ यू वुड रिकॉर्ड। सिंपल है, 2 लाख की एसेट थी, 2 लाख की एसेट थी हमारे पास, 2 लाख की एसेट थी, और 40% पार्ट के क्या है, 40% पार्ट हमारा इंजन का है, 40% पार्ट हमारा इंजन का है, तो 2 लाख का 40% कितना हो गया, 80,000, और 60% पार्ट अदर एसेट है, तो 1,20,000 अदर एसेट हो गया। तो ओरिजिनल कॉस्ट ये है आ गई, 2 साल का हमें डिप्रिसिएशन लगाना है, लाइफ दे रखी है इंजन की 2 साल, 2 साल है, तो हर एक साल कितना, 40,000 रुपये डिप्रिसिएशन लगा दिया, तो कैरिंग अमाउंट इसका जो निकल के आ गया थर्ड ईयर के बिगनिंग में या सेकेंड ईयर के एंड में नील आ गया, कैरिंग अमाउंट जो है हो गया इसका नील हो गया, कैरिंग अमाउंट नील हो गया। अदर कंपोनेंट जो था उसकी लाइफ थी 10 साल, तो एवरी ईयर कितना हो गया डिप्रिसिएशन, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10, 12,000 रुपये एनुअल डिप्रिसिएशन, और 2 साल का डिप्रिसिएशन 24,000 घटाने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई, 96,000। टोटल कैरिंग अमाउंट 96,000 आ गया क्योंकि कंपोनेंट का नील हो गया, अदर पार्ट का 96,000 हो गया। नया इंजन हमने 2 साल के बाद परचेज किया है 90,000 का नया इंजन परचेज किया है, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया कंपोनेंट का, 90,000, इंजन का 90,000 हो गया, अदर पार्ट का सेम रह गया, तो टोटल कितना हो गया, 90,000 प्लस 96,000, 1,86,000 रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गया। इस तरह से हम बुक्स में रिप्लेसमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल है, जो कंपोनेंट रिप्लेस करना है उसे बुक्स से हटा देंगे, नए कंपोनेंट को बुक्स में ऐड कर देंगे, हटाएंगे किस वैल्यू पे, WDV जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू आ रहा होगा उस वैल्यू पे उसे बुक्स से हटा देंगे। सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कोई है जिसकी लाइफ 10 साल है, इंजन का कोच इसमें कह रहा है 60% है और 4 ईयर लाइफ है। ये मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, इंजन कह रहा है इसका कॉस्ट 60% है, रेस्ट अदर पार्ट का कॉस्ट 40% है, टोटल कॉस्टिंग 20 लाख है और इसकी लाइफ कितना है, 4 ईयर्स है, और इसकी लाइफ कितना है, 10 ईयर्स है, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर रिप्लेसमेंट हो रहा है, आफ्टर 3 ईयर रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन में रेट कॉस्ट ऑफ 15 लाख, 15 लाख पे रिप्लेसमेंट करना है 3 साल के बाद, एंट्री पास करना है क्या, और रिप्लेस अब 5,000 रुपया पुराने पार्ट को बेच के स्क्रैप वैल्यू रियलाइज भी हो रहा है, तो आपको एंट्री रिकॉर्ड करना है बुक्स में, रिकॉर्ड करना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। कैसे रिकॉर्ड करोगे नए एसेट्स को, सिंपल है, टोटल कॉस्ट कितनी थी एसेट्स की, 20 लाख, 20 लाख ओरिजिनल कॉस्ट थे जिसमें कि 60% इंजन का कॉस्ट है, 40% अदर कंपोनेंट है, 2 लाख, 20 लाख का 40%, 8 लाख अदर है, 12 लाख इंजन की कॉस्टिंग है। डिप्रिसिएशन 3 साल के लिए लगाइए, 4 साल की टोटल लाइफ थी, तो 4 साल के लिए डिप्रिसिएशन लगाई
तो एक साल की डिप्रिसिएशन कितना हो गया, लाइफ चार साल की थी, 3000 से डिवाइड करिए, 3 साल का डिप्रिसिएशन निकाला, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू निकल के आ गया, टोटल डिप्रिसिएशन 3 साल के लिए 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपये लेस करने के बाद कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, कैरिंग अमाउंट आफ्टर डिप्रिसिएशन 3 लाख आ गया। सिमिलरली इसकी लाइफ 10 साल थी, 3 साल का डिप्रिसिएशन लगाना था, 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 × 3, तो 3 साल का डिप्रिसिएशन 2,40,000 निकल के आ गया, और कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 5,60,000। तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, कंपोनेंट इंजन का कैरिंग अमाउंट 3 लाख, अदर पार्ट का 5,60,000, टोटल कैरिंग अमाउंट 8,60,000 हो गया। अब 3 साल के बाद हमने क्या इंट्री पास करेंगे, डी रिकॉग्निशन के लिए, डी रिकॉग्नाइज करेंगे, एसेट्स को हटाएंगे, तो एसेट्स को हमने क्रेडिट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, 3 लाख पर क्रेडिट कर दिया, और बैंक 5,000 रुपये रियलाइज हुआ एसेट को बेच के, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रेस्ट हमारा 2,95,000 रुपये का लॉस आ गया, तो उसे पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो इन डी रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड पार्ट मेड। ठीक है, अब नया एसेट खरीद के लाया हूँ 3 साल बाद 15 लाख रुपये का, तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे, बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्निशन के लिए क्या करें, रिकॉग्निशन के लिए प्लांट पीएनएम को डेबिट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया हमने, सिंपल है, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया, और डी रिकॉग्निशन के लिए क्या किया था, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया टू रिकॉग्नाइज, अगर बैंक से पे किया, कैश से पे किया तो टू बैंक, बिंग न्यू इंजन बाउट, तो 15 लाख का नया इंजन लाया, तो हमारे बुक्स में कितनी वैल्यू हो गई, बुक्स में क्या पीएनएम का वैल्यू आ जाएगा, 8,60,000 रुपया ओरिजिनल वैल्यू कैरिंग अमाउंट था हमारा, 3 लाख, 8,60,000 रुपया कैरिंग अमाउंट था एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, रिटर्न डाउन वैल्यू 3 लाख था, ठीक है, 8,60,000 रुपये, उसमें से 3 लाख रुपये का ओल्ड एसेट घटा दिया, 3 लाख का ओल्ड एसेट घटा दिया, और 15 लाख का नया एसेट लाया, तो टोटल हमारा वैल्यू, नेट वैल्यू कितना आ गया, 20,60,000। ये 20,60,000 के 2 टुकड़े हो गए, कंपोनेंट वन इंजन का वैल्यू 15 लाख है, जिसकी लाइफ 4 साल है, कंपोनेंट टू की का वैल्यू कितना है, 5,60,000 है, ये यहाँ से आया 5,60,000 है, जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलें, सिंपल है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अब तीसरा जो रीजन हो सकता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का, हो सकता है कि हमने इंस्पेक्शन और ओवरऑल कराना पड़ा, इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम कराना पड़ता है, कुछ इंडस्ट्री की ये नेचर होती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, इसकी नेचर ऐसी है कि इसे टाइम टू टाइम हमें मैंडेटरी इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, ये इंस्पेक्शन का जो खर्चा होता है काफ़ी हैवी होता है, ये देखने में लगता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बट ये काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, इट मे बी रिक्वायर्ड ड्यू टू लॉ और ड्यू टू नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अब कोई जैसे शिप इंडस्ट्री, इसमें मैंडेटरी होता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री मैंडेटरी होता है कि आपको इंस्पेक्शन कराना ही कराना है एट सर्टेन स्पेसिफिक टाइम, कुछ अंतराल बाद आपको कराना पड़ता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, तो ऐसे इंस्पेक्शन के खर्चों को हम बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं, दिखने में ये नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का की तरह लगता है, पर ये काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो इसे बुक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। इसका ट्रीटमेंट जस्ट लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट, जैसे हमने अभी केस 2 पढ़ा था वैसे ही होगा, इसका जैसे रिप्लेसमेंट वाला केस है वैसे ही होगा ट्रीटमेंट बुक्स में। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडिया 60, इंस्पेक्शन कॉस्ट में भी ए मेजर कंपोनेंट होता है अपना टोटल कॉस्ट, इन सम केसेस जैसे शिप इंडस्ट्री हो गया, क्रूज इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, या केमिकल इंडस्ट्री या रिफाइनरी, इन दिस केस इंस्पेक्शन कॉस्ट शुड बी एमोटाइज, इंस्पेक्शन कॉस्ट को एमोटाइज करना होगा ओवर इट्स परमिट लाइफ, जितने अंतराल पर आपने इंस्पेक्शन मैंडेटरी, मान लिया जाए कि 5 साल पर आपको इंस्पेक्शन कराना है, तो 5 साल की लाइफ में जो 5 साल के लाइफ में उसे एमोटाइज कराना होता है, जैसे 50 लाख रुपये आपने खर्चा किया, 5 साल बाद फिर से कराना है, तो 50 लाख को 5 लाख 5 साल में आपको एमोटाइज करना पड़ेगा। इसके इसमें भी सेम वही ट्रीटमेंट होगा, स्टेप 1 में ओल्ड एक्सपेंस को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर स्टेप 2 में न्यू एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, आइए इसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बेटे, इससे हमें क्लैरिटी मिलती है।
क्वेश्चन करने से हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है, इसीलिए क्वेश्चन करना कभी ना छोड़ें, क्वेश्चन करते रहा करें, वरना इंडिया से कुछ भी समझ नहीं आएगा। केवल थ्योरी पढ़ के इंडिया से नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन करते रहिए। ए शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है शिपिंग कंपनी को टू ब्रिंग ऑल शिप इन टू ड्राई डॉक एवरी फाइव ईयर, पाँच साल, हर एक पाँच साल पे लाना है फॉर मेजर इंस्पेक्शन। ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइट एट फर्स्ट साइट सीम टू बी रिपेयर टू द शिप, बट इट इज एक्चुअली द कॉस्ट इनकर्ड इन गेटिंग द शिप बैक इन टू द सी वर्दी कंडीशन। लग रहा है कि ये रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, बट ये रिपेयर मेंटेनेंस है, यानी ये सी को सुचारू रूप से चलाने के लिए खर्चा है। एज सच द कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज, इसीलिए इसे कैपिटलाइज करना होगा। शिप की कॉस्ट कितनी है, 20 मिलियन की है, विथ ए ईयर 20 ईयर लाइफ है उसका, 20 मिलियन की कॉस्ट। और ओवरऑल कितना कराना पड़ता है, हर एक पाँच साल में कराना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 5 मिलियन। शिप की कॉस्टिंग कितनी है 20 मिलियन, और जो एक कंपोनेंट हमारा ओवरऑलिंग कॉस्ट है, इसकी कॉस्टिंग कितना है 5 मिलियन और 5 ईयर इसकी लाइफ है, ठीक है। शिप की टोटल कॉस्टिंग कितनी है 20 मिलियन और 20 ईयर लाइफ है। तो बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल है। टोटल कॉस्टिंग शिप की कितनी है 20 लाख, 20 लाख टोटल कॉस्टिंग है, जिसमें कि 5 लाख 50 लाख इंस्पेक्शन चार्जेज है। अदर कॉस्टिंग कितना हो गया 15 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया 50 लाख इंस्पेक्शन का हो गया, 15 लाख अदर हो गया। और 50 लाख जो इंस्पेक्शन चार्ज है हर एक 5 साल कराना पड़ता है, 5 तो डिप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स लगाएंगे, ये वैल्यू कितना आ गया, नील निकल के आ गया। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी लाइफ कितनी थी 20 ईयर्स थी अदर पार्ट्स की, तो 5 साल के डिप्रिसिएशन कितना आ गया 37,50,000, कैरिंग अमाउंट कितना आ गया 1,12,50,000। टोटल एसेट की कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, इसकी तो नील ही हो गई, रिमेनिंग अदर पार्ट का कितना हो गया 1,12,50,000, ठीक है। अब 5 साल बाद फिर से हमने एक्सपेंडिचर किया 50 लाख का, फिर से एक्सपेंडिचर 50 लाख किया, क्या उसे बुक्स में एसेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करें। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 50 लाख, इस पर हमने कोई खर्चा नहीं किया, इसका वही रह गया। तो टोटल कितना होगा 1,12,000 प्लस 50 लाख, 1,12,00,000 प्लस 50 लाख, 1,62,50,000, ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गया, ठीक है। सेम है, रिप्लेसमेंट की तरह ट्रीटमेंट है, कोई अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉडल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स में बुक्स में कैसे आप पीपी को प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए दो मॉडल है हमारे पास एज पर इंडिया 16, कॉस्ट मॉडल जिसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल भी कहते हैं, दूसरा है रिवोल्यूशन मॉडल, जिसे मतलब एवरी ईयर या पीरियोडिक बेसिस पे आप वैल्यू को खुद से रिवैल्यू कर सकते हैं एज पर फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू के देख के आप एसेट्स की वैल्यू को अंडर अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है तो आप बढ़ा सकते हैं, घट गया है तो घटा सकते हैं। पर कॉस्ट मॉडल में क्या है, कॉस्ट मॉडल में वो अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है तो ऐसे इंक्रीज को हम इग्नोर करते हैं। अगर डाउनवर्ड रिवोल्यूशन है, अगर डाउनवर्ड रिवोल्यूशन एसेट की लाइफ वैल्यू घट गई है, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू घट गई, तो इस डाउनवर्ड रिवोल्यूशन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। दोनों में यही अंतर है। कॉस्ट मॉडल में ध्यान से सुनिए, कॉस्ट मॉडल में डाउनवर्ड रिवोल्यूशन इज परमिटेड, ओनली डाउनवर्ड रिवोल्यूशन इज परमिटेड, अपवर्ड रिवोल्यूशन जो है ये परमिट नहीं है। पर रिवोल्यूशन मॉडल में अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो दोनों परमिट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। दोनों में यही अंतर है, कॉस्ट मॉडल जो चलता है वो हमारा कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे चलता है। ये कैसे निकालते हैं, कॉस्ट मॉडल में सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉस्ट हमारा आया होगा, जो हमने खरीदने पे किया होगा वो कॉस्ट निकल के आएगा, उसके बाद हम उस पर डिप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर इसको हम मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू इस रिटर्न डाउन वैल्यू से कम है, मार्केट वैल्यू अगर रिटर्न डाउन वैल्यू से कम है तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस निकालना पड़ेगा। अगर जैसे कि मार्केट वैल्यू 15 लाख है और रिटर्न डाउन वैल्यू 20 लाख है, 20 लाख रुपए रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है और मार्केट वैल्यू इसका फेयर वैल्यू जिसको भी कहते हैं
फेयर वैल्यू 15 लाख रुपये आ रहे, तो 5 लाख रुपये का हमें इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। पर वही अगर केस रिवर्स है, जैसे मार्केट वैल्यू 20 लाख हो गए, बुक्स में 15 लाख ही आ रहा है, तो हम ये 5 लाख को इग्नोर करेंगे, इसे 5 लाख रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट मॉडल। इम्पेयरमेंट लॉस इज कैलकुलेटेड व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ पीपी लेस देन द कैरिंग फेयर वैल्यू ऑफ पीपी कितना हो गया, 15 लाख हो गया, और कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 20 लाख हो गया हमारे एग्जांपल में। तो अगर ऐसा केस है तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा आ रहा है और फेयर वैल्यू कम आ रहा, तो फेयर वैल्यू को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस लगाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, और यही अगर रिवर्स केस है, फेयर वैल्यू ज़्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो हम अपवर्ड रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे अंडर कॉस्ट मॉडल। अपवर्ड रिवॉल्यूशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए क्या एंट्री करेंगे, और व्हेन एवर डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन इज मेड, वी शुड ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस। और जो भी इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट होगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, उसके लिए एंट्री जब पास करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट को कम कर दिया इम्पेयरमेंट लॉस से, फिर पीएनएल टू इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस का जो भी फिगर होगा, जो भी अमाउंट होगा, उसे पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा मॉडल जो है रिवॉल्यूशन मॉडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडेस 60 ने हमें रिवॉल्यूशन मॉडल परमिट किया है। ये रिवॉल्यूशन मॉडल की क्यों आवश्यकता पड़ी, रिवॉल्यूशन मॉडल के इसलिए आवश्यकता है, मान लीजिए कि आपके पिताजी ने कोई एसेट खरीदी, उसकी कितने लाख की खरीदी, 40 लाख की खरीदी, तो बुक्स में अंडर कॉस्टिंग मॉडल ये 40 लाख पे आ रहा होगा। ठीक है, और आपने भी कोई एसेट खरीदी जिसकी वैल्यू 40 लाख थी, तो ये बुक्स में 40 लाख रुपये पे आ रहा होगा। तो पापा ने भी एसेट खरीदी और बेटी ने भी एसेट खरीदी, दोनों की वैल्यू 40 लाख है, पर पापा ने आज से 40 साल पहले खरीदी, तो हो सकता है आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो गई हो, 4 करोड़, पर अभी भी अंडर कॉस्टिंग मॉडल ये बुक्स में 40 लाख की अभी ये आ रही होगी। और बेटी ने जो आज खरीद, 40 साल बाद आज की वैल्यू है, वो 40, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज भी 40 लाख रुपये है। तो कोई भी फिनांशियल यूजर, फिनांशियल स्टेटमेंट का यूजर, कोई भी स्टेक होल्डर जब इसे फिनांशियल स्टेटमेंट को देखेगा, तो कहेगा इसके पापा के पास भी उतनी ही एसेट है जितने बेटे के पास है, जबकि रियल वर्थ कितनी है पापा की, रियल वर्थ 4 करोड़ है। ठीक है, तो इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इंडिया 16 ने हमें फेयर वैल्यू प्रेजेंटेशन परमिट किया है, इसके लिए हमें रिवॉल्यूशन मॉडल दिया गया है। रिवॉल्यूशन मॉडल में है क्या, अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो आप बढ़े हुए वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, घट गई है तो घटे हुए वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडिया 16 एंटिटी कैन चूज फॉर रिवॉल्यूशन मॉडल फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, द फॉलोइंग कंसेप्ट शुड बी अप्लाइड वाइल अडॉप्टिंग रिवॉल्यूशन मॉडल। रिवॉल्यूशन मॉडल के लिए पहले क्या करना है, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या करेंगे, जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो तब एसेट को बढ़ाएंगे, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, जो भी बड़ा वो अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख से 15 लाख हो गई वैल्यू, पहले रिटर्न डाउन वैल्यू 10 लाख थी, फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख हो गई, रिटर्न डाउन वैल्यू 10 लाख आ गई, तो इंक्रीज कितना हो गया, 5 लाख का हो गया, तो 5 लाख का इंक्रीज हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख का पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, एक नया अकाउंट खोलेंगे रिवॉल्यूशन का, जो भी हमें रिवॉल्यूशन गेन हो रहा है उस गेन को हम कहाँ रखेंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में रखेंगे, जो भी रिवॉल्यूशन के कारण कोई गेन हो रहा है उस गेन को हम कहाँ रखेंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में रखेंगे, गेन को कहाँ रखेंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गेन को कहाँ रखना है, रिवॉल्यूशन रिजर्व में, पेइंग एसेट इंक्रीज, इस कितना अमाउंट रिवॉल्यूशन रिजर्व में ले जाएंगे, जो भी इम्पेयरमेंट गेन है, जो भी रिवॉल्यूशन गेन है उसे हम रिवॉल्यूशन रिजर्व में रखेंगे। ठीक है, इस गेन पे हमें पहले मान लीजिए 10 लाख पे 10% की दर से डिप्रिसिएशन आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा,
10% की दर से 1 लाख रुपया आ रहा था, तो अब 15 लाख को हो गया, तो अब डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा। पहले मान लीजिए 10 लाख रिटर्न डाउन वैल्यू थी, तो उस पर 10% का डिप्रिसिएशन है, तो वैल्यू कितनी आएगी डिप्रिसिएशन की, 1 लाख। बढ़े हुए फिगर के अनुसार कितनी आएगी, 1.5 लाख। तो ये 50,000 क्या है, एडिशनल डिप्रिसिएशन हो गया। इस 50,000 एडिशनल डिप्रिसिएशन को हमें रिवॉल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट करना है, रिवॉल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट करना है, ठीक है। कैसे एडजस्ट होगा, आइए हम आपको बताते हैं। पहले डिप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो रिवाइज वैल्यू पे लगाएंगे, 15 लाख पे लगाएंगे डिप्रिसिएशन। 2 PP, एक डिप्रिसिएशन के अमाउंट कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को हम PNL में जैसे ट्रांसफ़र करते आ रहे थे ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 1.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र करेंगे। उसके इसके कारण से हमारा PNL 50,000 रुपया एडिशनली कम हो गया होगा, 50,000 रुपया कम हो गया होगा, क्योंकि इसका क्या ब्रेकअप है, 1 लाख प्लस 50,000, 50,000 रुपये से कम हो गया होगा। तो इस 50,000 को एडजस्ट करने के लिए हमें रिवॉल्यूशन रिजर्व जो हमने क्रिएट किया हुआ, इस 50,000 को एडजस्ट करेंगे रिवॉल्यूशन रिजर्व से, रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग, जिससे कि हमारा PNL पे इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा 50,000 रुपये का, इस एडिशनल डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा। क्योंकि ऐसे एडिशनल डिप्रिसिएशन जो भी है, जो एडिशनल डिप्रिसिएशन 50,000 रुपये का है, उसको नलीफाई कर देंगे रिवॉल्यूशन रिजर्व। आइए इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एन आइटम ऑफ PP वाज परचेज फॉर 9 लाख ऑन 1st April 2000, एक अप्रैल को 9 लाख रुपए में खरीदा है। इट इज एस्टिमेटेड टू हैव एन यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स इसका यूजफुल लाइफ है असेट की। डिप्रिसिएशन का मेथड क्या है, SLM। 1 अप्रैल 2003 को 2 साल बाद एसेट रिवैल्यू कितना किया गया, 9 लाख, 9 लाख का था, उससे 9,60,000 रुपये रिवैल्यू किया गया 2 साल बाद, और रिमेनिंग लाइफ कितना है, 10 ईयर्स, 10 ईयर रिमेनिंग लाइफ है, ठीक है। इस फुल लाइफ रिमेन अनचेंज 10 ईयर, पहले भी कितना था, 10 ईयर्स था, अब भी ये कितना है, 10 ईयर्स है। तो आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 9 लाख रुपया, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 9 लाख रुपये, 2 साल का डिप्रिसिएशन लगाना है SLM बेसिस पे, तो एवरी ईयर कितना आ जाएगा डिप्रिसिएशन, 90,000, तो 2 साल का 1,80,000, 2 साल का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद जो WDV आ जाएगा 7,20,000 रुपये आ जाएगा। फेयर वैल्यू अब कितना हो गई, 9,60,000 रुपये हो गए, तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया डिप्रिसिएशन का, 7,20,000 से आपके वैल्यू एसेट्स जो है 7,20,000 रुपये से 9,60,000 रुपये आ गए, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2,40,000, 2,40,000 रुपये का आपको डिप्रिसिएशन हो गया, 2,40,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया। और डिप्रिसिएशन अब नए वैल्यू पे कितना लगाना होगा, 9,60,000 रुपया है नए वैल्यू, लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 10 साल था, अब भी 10 साल ही लिखा था क्वेश्चन में, तो 2 साल बाद, 2 साल कम हो गया, 2 साल बाद कितना लाइफ हो गई, 8 ईयर रह गई, तो डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,20,000, लाइफ ऑफ द मशीन कोई चेंज नहीं है, तो कितना आ गया डिप्रिसिएशन, 8 साल का, 8 साल लाइफ है, तो हर एक साल का कितना आ गया, 1,20,000। डिप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पर कितना आ रहा है, 7,20,000, ये ओरिजिनल वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, 7,20,000 रुपये 8 साल के हिसाब से, डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 90,000, और डिफरेंस जो है कितना आ गया, 1,20,000 माइनस 90,000, 30,000 का एडिशनल डिप्रिसिएशन, 30,000 का एडिशनल डिप्रिसिएशन है। इस एडिशनल डिप्रिसिएशन को हमें रिवॉल्यूशन रिजर्व के थ्रू एडजस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इससे इस PNL में कितना जा रहा होगा, नया वाला डिप्रिसिएशन जा रहा होगा,
1,20,000 जा रहा होगा, जाना चाहिए था कितना 90,000, तो 30,000 का एडिशनल गया किसके कारण, अकाउंट रेगुलेशन इस 30,000 को रेगुलेशन रिजर्व RR से एडजस्ट करेंगे, इतनी सी बात है। देखिए क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, PP अकाउंट डेबिट टू रेगुलेशन रिजर्व बीइंग एसेट इनक्रीज, 2,40,000 रुपये से हमने एसेट्स को बढ़ा दिया, 2,40,000 रुपये से हमने एसेट्स को बढ़ा लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन लगाएंगे, डिप्रिसिएशन कितना 1,20,000 रुपया है, नया वाला डिप्रिसिएशन है 1,20,000 रुपया, 30,000 ज़्यादा है इसमें, उसकी एंट्री हम आगे देखेंगे, बीइंग डिप्रिसिएशन और रिवाइज वैल्यू, फिर इस डिप्रिसिएशन को PNL में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं वैसे हम ट्रांसफर कर देंगे PNL टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन राइट ऑफ। फिर उसके बाद ये इस 1,00,000 PNL में कितना चला गया, 90,000 प्लस 30,000 एक्स्ट्रा गया ऑन अकाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है ऑन अकाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, इस 30,000 को रेवोल्यूशन रिजर्व से हमें एडजस्ट करना है, बस इतनी सी बात है। तो RR अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग बीइंग एडिशनल डिप्रिसिएशन कंपनसेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा उससे इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो हमने RR की वैल्यू को, रेवोल्यूशन रिजर्व की वैल्यू को उससे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। इस केस में हमारा RR कितना हो गया नेट, पहले हमारा 2,40,000 रुपये से RR को क्रिएट किया, फिर 30,000 रुपये से लेस कर दिया, तो RR नेट कितना रह गया, 2,10,000 रुपये का नेट रेवोल्यूशन रिजर्व हमारे पास रह गया, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि रेवोल्यूशन है कब करना है, क्या हर एक साल करना है या फिर किसी पीरियोडिक बेसिस पर, ये डिस्क्रिशनरी है आपके ऊपर कि कब रेवोल्यूशन करना चाहते हैं। नॉर्मली 3 से 5 साल में करना पड़ता है रेवोल्यूशन आपको, अगर आपको लगता है कि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो आप अपने एसेट्स को रिवैल्यू कर दीजिए फेयर मार्केट वैल्यू पर। अगर आपका एसेट वोलेटाइल नेचर का है, उसकी प्राइस वोलेटाइल है, स्टेबल प्राइस नहीं है, तो उसको आप एनुअली भी रिवैल्यू कर सकते हैं, तो जब जब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है तो आपको रिवैल्यूएशन करना है अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। क्लास वाइज रिवॉल्यूशन एक कंसेप्ट है, क्लास वाइज, क्लास जैसे आपने ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है, इसमें होता है क्या, डिप्रिसिएशन का रेट, एक ब्लॉक ऑफ एसेट का डिप्रिसिएशन का रेट सेम होता है, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी है उस पर एक रेट आ रहा होगा, फर्नीचर है उस पर एक अलग रेट आ रहा होगा, प्लांट एंड मशीनरी है वो एक अलग ब्लॉक आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग अलग ब्लॉक आ गया, फर्नीचर है का अलग ब्लॉक हो सकता है, मोटर व्हीकल का अलग ब्लॉक है। ब्लॉक ऑफ एसेट जो इंड एस के पर्पज से लिए क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट सिमिलर नेचर का जो एसेट है उसको हम एक ब्लॉक मानेंगे, सिमिलर नेचर का एसेट, सिमिलर नेचर के एसेट को हम ब्लॉक मानेंगे, सिमिलर नेचर का एसेट कौन, जिसका कि नेचर और यूज सेम है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है उसका नेचर और यूज सेम है, कोई बिल्डिंग है मान लीजिए कि आपके पास 5 बिल्डिंग है तो 5 बिल्डिंग एक ब्लॉक हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा, अगर ये 5वीं बिल्डिंग आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा, अगर इन 5 बिल्डिंग में आपने एक बिल्डिंग किराए पे दे दिया हो, बिल्डिंग वन को किराए पे दे दिया और बाकी 4 बिल्डिंग आपने, 4 बिल्डिंग आपने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सेम ब्लॉक सेम क्लास नहीं हुआ, ये अलग अलग क्लास हो गए, तो नेचर और यूज भी है सेम होना चाहिए, तो पांचों जो है बिल्डिंग वो बिल्डिंग ही हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो और पांचों ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही हो, तभी एक सेम क्लास होना, मतलब कि उसका यूज अगर अलग हो गया हो, अगर एसेट्स का यूज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, किसी को रेंट के लिए दे दिया, किसी को ऑफिस के लिए यूज कर लिया, तब हम उसे सेम क्लास नहीं मानेंगे, तो हमें ध्यान रखना है क्लास ऑफ एसेट। क्लास ऑफ एसेट की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लास ऑफ एसेट अगर सेम है तो उस पर रेवोल्यूशन सेम लगा सकते हैं। देखिए
एज पर प्रोविजन ऑफ इंडिया 16 रेगुलेशन मॉडल कैन बी अडोप्टेड फॉर क्लास ऑफ एसेट्स। क्लास ऑफ एसेट्स के लिए रिवोल्यूशन मॉडल अडॉप्ट कर सकते एक क्लास के, इन्हें कि जैसे कि आपके पास 5 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को आपने रेंट पर दे दिया और 4 बिल्डिंग को आपने ऑफिस के लिए यूज किया, तो ये डिफरेंट क्लास हो गई, 4 बिल्डिंग अलग क्लास की हो गई और एक बिल्डिंग जो रेंट पर दे दिया वो अलग क्लास की हो गई। तो इस पे है ना रेवोल्यूशन मॉडल अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। वन क्लास ऑफ एसेट कैन बी कवर अंडर रेवोल्यूशन मॉडल, अदर क्लास ऑफ एसेट ऑन कॉस्ट मॉडल। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आप रेवोल्यूशन मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं और प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप कॉस्ट मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए जो डिप्रिसिएशन लगाएगा वो रेवोल्यूशन मॉडल के अकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के लिए कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करते हैं, फर्नीचर के लिए कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं या मोटर व्हीकल के लिए आप रेवोल्यूशन मॉडल अडॉप्ट करते हैं। पर मान लीजिए कि कोई मोटर व्हीकल है वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है आपका किराए पे देने के लिए, तो ऐसे केस में आप ये वाला कंसेप्ट क्लास वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये मतलब रिवोल्यूशन मॉडल सभी लगेगा तो सभी पे लगेगा, किसी पर्टिकुलर एसेट पे नहीं लगेगा, लगेगा तो सभी कार के लिए लगेगा कुछ कार के लिए नहीं लगेगा। रेवोल्यूशन मॉडल अगर लगेगा तो सभी प्लांट एंड मशीनरी पर लगेगा, कुछ प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं लगेगा। रेवोल्यूशन मॉडल अगर अप्लाई होगा तो सभी लैंड एंड बिल्डिंग पर अप्लाई होगा, केवल कुछ पर्टिकुलर लैंड एंड बिल्डिंग पे आप रेवोल्यूशन मॉडल लगा दे, कुछ मॉडल पे आप कॉस्ट मॉडल लगा दो, ऐसा नहीं है। तो आपको पूरे क्लास पे अप्लीकेबल करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर एसेट वाइज परमिटेड नहीं है, एसेट वाइज परमिटेड नहीं है, क्लास वाइज रेवोल्यूशन मॉडल परमिट है। इवन कि ये भी परमिट है कि एक क्लास पे आप एक मॉडल लगाए, दूसरे क्लास पे दूसरा मॉडल लगाए। सिंपल है, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडिया 16 रेवोल्यूशन मॉडल कैन बी अडॉप्टेड फॉर ए क्लास ऑफ एसेट। एक क्लास के लिए आप जा सकते हैं रेवोल्यूशन मॉडल के, दूसरे क्लास के लिए कॉस्ट मॉडल जा सकते हैं। जैसे क्लास क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का एक क्लास हो गया और प्लांट एंड मशीनरी का दूसरा क्लास हो गया, तीसरा क्लास हो गया फर्नीचर का, चौथा क्लास हो गया मोटर व्हीकल का, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मान लीजिए आप रेवोल्यूशन मॉडल चले गए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप कॉस्ट मॉडल जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फर्नीचर के लिए रेवोल्यूशन मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं, मोटर व्हीकल के लिए आप कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं, या सभी के लिए आप रेवोल्यूशन मॉडल ले लीजिए या सभी के लिए आप कॉस्ट मॉडल ले लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। पर मान लीजिए आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 5 लैंड एंड बिल्डिंग है तो एक लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल, 4 के लिए रेवोल्यूशन मॉडल, ऐसा नहीं कर सकते, ये परमिटेड नहीं है। मतलब एसेट वाइज परमिटेड नहीं, क्लास वाइज परमिटेड है। इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड फॉर ए सिंगल एसेट। इट मीन्स दैट वन क्लास ऑफ एसेट कैन बी कवर्ड अंडर रेवोल्यूशन मॉडल एंड अदर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट मॉडल। क्लास ऑफ एसेट कैन बी फाउंड बाय ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एसेट। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एसेट कैसे करना है, इसका नेचर और यूज सेम हो, ठीक है। क्लास ऑफ एसेट में भी लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशन मॉडल का, उसके प्रेजेंटेशन पार्ट को देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।